मैं आनंद मार्गी हूँ, मैं भागवत धर्म को मानता हूँ। इसलिए आजन मेरे मन में एक शंका है, जहाँ गीता कहती है धर्मस्य न स्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, और मुसलमानों से सुनता हूँ तो मोहम्मद इज द लास्ट पैगंबर। मेरा शक है कि परमात्मा अल्लाह की सृष्टि इनफिनाइट वेव्स में चल रहे हैं, तो इनफिनाइट समस्याएं आगे आएंगी, तो हुआ मोहम्मद द लास्ट पैगंबर। अगर ये सही है तो गीता का यह, कृष्ण का यह घोषणा संभवामी जुगे जुगे क्या गलत है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने सवाल था भगवद गीता का, जिसमें कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा संस्कृत में तर्जुमा नहीं किया, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस धरती पे जुल्म होगा तो उस वक्त भगवान एक पैगंबर को भेजेंगे, और हर दौर में एक पैगंबर आएगा, सम भगवान योगी होगे, हर युग में आएगा। तो भाई का सवाल है, क्या कृष्ण गलत है? आप मुसलमान क्यों कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? भाई साहब, सबसे पहले हम कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, क्योंकि यह कहा गया कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में कहा गया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन व कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों में से किसी के वालिद नहीं है, लेकिन खातमुन नबीयीन है, आखिरी नबी है। क्योंकि कुरान मजीद में कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हम इस पे यकीन रखते हैं। जहां तक कि आपने कहा श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण की बात को मानता हूं कि जब भी इस धरती पे गलत काम होंगे उस वक्त खुदा एक पैगंबर को भेजते, और हर दौर में एक पैगंबर भेजेंगे, बिल्कुल गलत नहीं है। आपको समझने में गलती हुई, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे भगवद गीता, भगवद गीता को कहा गया है कि ये वेद का निचोड़ है, इट इज द नेक्टर ऑफ द वेद, वेद का निचोड़ है। और जब आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ कल्कि पुराना में, कल्कि पुराना में लिखा है, कल्कि पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5, 7, 11, 15 में लिखा है कि एक कल्कि अवतार आएंगे जो कलयुग में आएंगे, और कलयुग आखिरी युग होगा, और ये कल्कि अवतार लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे, और ये कल्कि अवतार के वालिद का नाम है विष्णु व्यास, मतलब भगवान का नौकर, अरबी में अब्दुल्ला जो नाम थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का, उनके वालदा का नाम होगा सुमति, सुमति मतलब अमन शांति, अरबी में होगा आमेना जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम। वो पैदा होंगे अमन के शहर में जो है मक्का, वो पैदा होंगे ऐसे खानदान में जो उस शहर के चीफ होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए, उनके चार करीब दोस्त होंगे, हम जानते हो चार खुलफा राशिदीन है, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत सब पे हो। उनको सबसे पहली वही मिलेंगी एक गार में, एक केव में, हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले वही मिली गारे हिला में, उनको राख्त के बाद सबसे पहले वही आएंगी, वो ही विल माइग्रेट नॉर्थवर्ड्स एंड कम बैक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत की और फिर से वापस मक्का लौटे। ये सारी निशानियां जो लिखी है कल्कि अवतार के बारे में वो हू बहू उतरती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हर युग में एक अवतार आएगा, आखिरी युग होगा कलयुग, ये कलयुग है भाई साहब, ये कलयुग है, और कलयुग के आखिरी अवतार है कल्कि अवतार, जिसका नाम कुरान मजीद में लिखा गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो आपकी भगवत गीता में लिखा है मेरे हिसाब से सही लिखा हुआ है कि हर युग में एक अवतार आएगा, और आखिरी युग है लिखा हुआ है कल्कि पुराना में वो कलयुग है, और कलयुग के अवतार है कल्कि अवतार। तो आप सबको जोड़ेंगे तो पता लगता है कि आपके वेद में भी कई निशानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, कम से कम 100 हवाले तो मैं देख सकता हूं जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना,
पर्व तीन खंड तीन अध्याय तीन श्लोका पांच से आठ, उसमें कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और वो एक फॉरेनर रहेंगे और वो डेजर्ट से आएंगे। लिखा है भविष्य पुराना में पर्व तीन खंड तीन अध्याय तीन श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे कुंटप सुक्तास अथर्ववेद किताब नंबर 20 चैप्टर नंबर 127 श्लोक नंबर 1 से 14 उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह वेद के अंदर है, कई जगह पुराना में है। तो अगर आप भगवत गीता को लेते हैं, पुराना को लेते हैं, कल्कि पुराना को लेते हैं और एक मानते हैं, तो सारे ये श्लोका कह रहे हैं कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना चाहिए। भाई साहब जी भगवत गीता मानते हैं आप? देखिए मैं मानता किसी को नहीं हूँ, मैं तर्क के बौद्धिक स्तर पर जो मेरा लॉजिक एक्सेप्ट करता है उसी को मैं मानता हूँ। लेकिन आपने भगवत गीता का हवाला दिए क्या? नहीं मानने का मतलब वो आंख बंद कर मानना, मैं आंख खोल कर मानता हूँ। तो आंख खोल के आप मानते क्या नहीं भगवत गीता को? बिल्कुल मानता हूँ। जो मानते तो भगवत गीता में लिखा है जो आने वाले आखिरी अवतार जो पुराण कल की पुराना में लिखा हुआ है कल के अवतार उसमें मानते आप? देखिए पुराण की बात नहीं कर सकूंगा क्योंकि कुरान की बात नहीं, पुराना कल की पुराना पुराण में मैं कर रहा हूँ क्योंकि पुराण पुराण के बारे में पुराणकार का जो कहना है कि अष्टादश व्यासस्य वचनम द्वे पापाय परपीडनम पुण्याय परहितनम, इसी तरह का है कि 18 पुराण का उद्देश्य है कि दूसरे को कष्ट देना पाप है और दूसरे का भलाई करना पुण्य है। मैंने कब बोला कि दूसरे को कष्ट दो और दूसरे के भलाई मत करो? मैं कह रहा हूँ इस आधार पर मैं पुराण की कुरान में लिखे लगा दूसरे को कष्ट दो, कुरान में भी लिखे दूसरे को कष्ट मत दो, कुरान में भी लिखे दूसरे की मदद करो, इसके ऊपर बहस नहीं हो रही है। बहस हो रही है कल की पुराना पे, कल के अवतार पे। आप आखिरी पैगंबर में मानते हैं क्या नहीं ये मैं पूछ रहा हूँ। मुझे कल की पुराण का अध्ययन नहीं है, कल की पुराण का अध्ययन नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे कल की पुराण का अध्ययन नहीं है। तो आप अगर बुद्धि के ऊपर आप मानते हैं तो मेरी ये आपसे इल्तिजा रहेंगी कि कल की पुराना पढ़ो और ये जांच पड़ताल करो कि कल के अवतार कौन है और कल के अवतार की तहकीक करो, आप इंशाअल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानेंगे। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस पे तहकीक करो कि आखिरी अवतार कौन है और इंशाअल्लाह आपको हिदायत देंगे अल्लाह ताला। डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे एक भाई को दूसरा सवाल पूछने के लिए दिया, एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? एक छोटा वेरी 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 कीजिए। मुसलमान लोगों को जब कोई हिंदू मिलता है तो बोलते हैं उसको आदाबर, लेकिन किसी मुसलमान को बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि एक मुसलमान हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव करता है, कृपया आप स्पष्ट कीजिए इसको। भाई साहब का सवाल है कि अगर कोई मुसलमान हिंदू से मिलता है तो आदाबर करता है, अगर कोई मुसलमान से मिलता है तो अस्सलाम वालेकुम कहता है, तो हिंदू मुसलमान में भेदभाव क्यों? भाई साहब हिंदू मुसलमान में भेदभाव तो रहेगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि हिंदू हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम है, लेकिन एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। पहले भाई साहब इसने सवाल किया था, उन्होंने मुझे आदाब कहा तो मैंने उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा कि नहीं? जी 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 कहा ना। हिंदू ने मुझसे क्या कहा आदाब कहा कि नहीं? मैंने उनसे सलाम कहा कि नहीं? जी मैं गौर किया था। गौर किया माशाल्लाह, लेकिन तो गौर किया तो कहा क्यों नहीं कि आपने ऐसा नहीं कहा? वो हिंदू भाई ने मुझे आदाब कहा। डॉक्टर साहब जी हाँ, यू आर नॉट ओनली वन मुसलमान, आई सी लाख्स ऑफ मुसलमान, बट दिस क्वालिटी फाइंड ओनली इन यू, ओनली इन मी माशाल्लाह, ओनली इन यू। भाई साहब कह रहे कि वो खुद मुसलमान को जानते, सिर्फ मुझ में देखा कि मैंने सलाम कहा। जी इसकी वजह ये है क्योंकि उलमा में इख्तिलाफ है कि आप गैर मुसलमान को सलाम कर सकते क्या नहीं। पहला ये जान ले अस्सलाम वालेकुम की मानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम की मानी है कि आप पे सलामती हो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातु, आप पे सलामत रहे, रहमत रहे और बरकत रहे ना। इसमें इख्तिलाफ है मुसलमानों में, मुसलमान उलमा में, कि आप गैर मुसलमान को सलाम कर सकते क्या नहीं, गैर मुसलमान के सलाम का जवाब दे सकते, इसमें इख्तिलाफ है। क्योंकि एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क्योंकि एक हदीस है जिसके अंदर यहूद लोग मुसलमान को कहते अस्सलाम अलैकुम,
अस्सलाम वालेकुम का मानी आप पे मौत हो, साम के मानी मौत, अस्सलाम वालेकुम आप पे मौत हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपको अलैकुम उन पे भी। तो ये हदीस है, सही हदीस है। यहूद लोग कहते थे मुसलमान को छेड़ने के लिए अस्सलाम वालेकुम आप पे मौत हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपको अलैकुम आप पे भी हो। तो इसकी वजह से इख्तलाफ, और कई हदीसें हैं, मैं ज्यादा बहस में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन यह कहना चाहूंगा कि कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि आप अस्सलाम वालेकुम कह सकते, क्योंकि कुरान मजीद की एक आयत है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में कहा है, अगर कोई आपको ग्रीट करता है, अगर कोई ग्रीट करता है तो आप और बेहतरीन तरीके से ग्रीट करो, अगर कोई आपको ग्रीट करता है और बेहतरीन तरीके से ग्रीट करो या कम से कम उतना। तो अगर कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अगर कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहु, या कम से कम उतना, ये जरूरी है। तो इसीलिए अगर कोई मुसलमान मुझसे आदाब करे तो आदाब से बेहतर क्या है, अस्सलाम वालेकुम। और अल्लाह के रसूल के लिए कहा गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह फरमाते हैं, जो मैंने तकरीर में बयान किया सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाक इल्ला रहमतिल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन रहमत बना के सारे इंसानों के लिए, सारे आलम के लिए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए रहमत बन सकते तो क्या मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नहीं कह सकता हूं। तो इस बुनियाद पे उलमा का इख्तिलाफ है कि अस्सलाम कह सकते हैं, कहने मैं उन उलमा में मानता हूं जो कहते हैं कि आप गैर मुसलमान को सलाम कह सकते और जवाब भी बेहतरीन दे सकते। इसीलिए जब भाई साहब ने कहा अदब तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मेरे हिसाब से अस्सलाम वालेकुम और बेहतर है, आदाब से बेहतर है अस्सलाम वालेकुम, के आप पे सलामती हो, रहमत और बरकत हो। तो भाई साहब मेरे नजदीक गैर मुसलमान के लिए सलामती चाहना अच्छी चीज है, और इसीलिए मैं आपके लिए सलामत चाहता हूं भाई साहब। भाई साहब ये लॉट ऑफ थैंक्स टू यू सर, मैं सलामत चाहता हूं, और लेकिन सिर्फ मुंह से नहीं, मैं चाहता हूं अमल से आप सलामती पाओ। इसीलिए मैं कहता हूं कि तहकीक करो कल के अवतार के बारे में, आखिरी पैगंबर के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो आपको सलामती इस दुनिया में रहेंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। अगला सवाल माइक नंबर 3 से, वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो सवाल कर सकते हैं। हाँ नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि मैं दवाई दुकान है और दवाई दुकान के बगल में मैंने दो तबके को आपस में लड़ते हुए देखा, जिसमें कि एक बरेलवी समाज और एक देवबंदी समाज था। तो बरेलवी कहते हैं कि देवबंदी लोग सही नहीं है और बरेलवी सही है, तो इसका बुनियाद क्या है, जड़ क्या है, मुझे उसकी जानकारी चाहिए। सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है। भाई साहब ने कोई डिफिकल्ट सवाल कहा है लेकिन जवाब बहुत आसान है, सवाल डिफिकल्ट है लेकिन जवाब आसान है, जिसके कारण क्वालिटी फाइंड ओनली इन यू, ओनली इन मी, माशाल्लाह ओनली इन यू। भाई साहब कह रहे हैं कि वो खुद मुसलमान को जानते, सिर्फ मुझ में देखा कि मैंने सलाम कहा जी। इसकी वजह यह है क्योंकि उलमा में इख्तिलाफ है कि आप गैर मुसलमान को सलाम कर सकते हैं क्या नहीं। पहला ये जान ले अस्सलाम वालेकुम की मानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम की मानी है कि आप पे सलामती हो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहु, आप पे सलामत रहे, रहमत रहे और बरकत रहे ना। इसमें इख्तिलाफ है मुसलमानों में, मुसलमान उलमा में, कि आप गैर मुसलमान को सलाम कर सकते कहने, गैर मुसलमान के सलाम का जवाब दे सकते, इसमें इख्तिलाफ है। क्योंकि एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क्योंकि एक हदीस है जिसके अंदर यहूद लोग मुसलमान को कहते अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम का मानी आप पे मौत हो, साम के मानी मौत, अस्सलाम वालेकुम आप पे मौत हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपको अलैकुम उन पे भी। तो ये हदीस है, सही हदीस है। यहूद लोग कहते थे मुसलमान को छेड़ने के लिए अस्सलाम वालेकुम आप पे मौत हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपको अलैकुम आप पे भी हो।
تو اس کی وجہ سے اختلاف اور کئی حدیثیں ہیں, میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ السلام علیکم کہہ سکتے, کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں کہا ہے اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے, اگر کوئی گریٹ کرتا ہے تو آپ اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو, اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو یا کم از کم اتنا, تو اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے مجھے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ مجھے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ برکاتہ, یا کم از کم اتنا, یہ ضروری ہے. تو اسی لیے میں آنند مارگی ہوں, میں بھاگوت دھرم کو مانتا ہوں, اس لیے آجان میرے من میں ایک شنکا ہے, جہاں گیتا کہتی ہے دھرمست نستھاپنا تھا سم بھوامی جگے جگے, اور مسلمانوں سے سنتا ہوں تو محمد از دا لاسٹ پیغمبر, میرا شک ہے کہ پرماتما اللہ کی سرشتی انفینائٹ ویبس میں چل رہے ہیں تو انفینائٹ سمسیائیں آگے آئیں گی, تو ہوا محمد دا لاسٹ پیغمبر, اگر یہ صحیح ہے تو گیتا کا یہ کرشن کا یہ گھوشنا سمبھوامی جگے جگے کیا غلط ہے؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے, انہوں نے حوالہ تھا بھگوت گیتا کا جس میں کرشن کہتے ہیں, انہوں نے کہا سنسکرت میں ترجمہ نہیں کیا, شری کرشن کہتے ہیں کہ جب بھی اس دھرتی پہ ظلم ہوں گا تو اس وقت بھگوان ایک پیغمبر کو بھیجیں گے, اور ہر دور میں ایک پیغمبر آئے گا, سم بھوان یوگی ہوگے ہر یوگ میں آئیں گا. تو بھائی کا سوال ہے کیا کرشن غلط ہے؟ آپ مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ بھائی صاحب سب سے پہلے ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے کیونکہ یہ کہا گیا قرآن مجید میں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں لیکن خاتم النبیین ہیں, آخری نبی ہے, کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. جہاں تک کہ آپ نے کہا شری کرشن, میں شری کرشن کے بات کو مانتا ہوں کہ جب بھی اس دھرتی پہ غلط کام ہوں گے اس وقت خدا ایک پیغمبر کو بھیجتے, اور ہر دور میں ایک پیغمبر بھیجیں گے, بالکل غلط نہیں ہے. آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی, کیونکہ جب آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا, بھگوت گیتا کو کہا گیا ہے کہ یہ وید کا نچوڑ ہے, اٹ از دا نیکٹر آف دا وید, وید کا نچوڑ ہے, اور جب آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوا کلکی پرانا میں, کلکی پرانا میں لکھا ہے کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 5, 7, 11, 15 میں لکھا ہے کہ ایک کلکی اوتار آئیں گے جو کل یوگ میں آئیں گے, اور کل یوگ آخری یوگ ہوں گا, اور یہ کلکی اوتار لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں گے, اور یہ کلکی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس, مطلب بھگوان کا نوکر, عربی میں عبداللہ جو نام تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا, ان کے والدہ کا نام ہوگا سمتی, سمتی مطلب امن شانتی, عربی میں ہوں گا آمینہ جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام, وہ پیدا ہوں گے امن کے شہر میں جو ہے مکہ, وہ پیدا ہوں گے ایسے خاندان میں جو اس شہر کے چیف ہوں گے, ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے, ان کے چار قریب دوست ہوں گے, ہم جانتے ہیں چار خلفاء راشدین ہیں, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہ, اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سب پہ ہو. ان کو سب سے پہلی وحی ملیں گی ایک گار میں, ایک کیو میں, ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وحی ملی گارے ہلا میں, ان کو راکھ کے بعد سب سے پہلے وحی آئیں گی, وہ ہی ول مائگریٹ نارتھ ورڈز اینڈ کم بیک, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کی اور پھر سے واپس مکہ لوٹے. یہ ساری نشانیاں جو لکھی ہے کل کے اوتار کے بارے میں
वो हू बहू उतरती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हर युग में एक अवतार आएगा, आखिरी युग होगा कलयुग। ये कलयुग है भाई साहब, ये कलयुग है, और कलयुग के आखिरी अवतार है कल के अवतार, जिसका नाम कुरान मजीद में लिखा गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो आपकी भगवत गीता में लिखा है, मेरे हिसाब से सही लिखा हुआ है कि हर युग में दूसरे को कष्ट देना पाप है और दूसरे का भलाई करना पुण्य है। मैंने कब बोला कि दूसरे को कष्ट दो और दूसरे के भलाई मत करो? मैं कह रहा हूँ इस आधार पर, मैं पुराने की कुरान में लिखे लगा दूसरे को कष्ट दो, कुरान में भी लिखे दूसरे को कष्ट मत दो, कुरान में भी लिखे दूसरे की मदद करो, इसके ऊपर बहस नहीं हो रही है। बहस हो रही है कल की पुराना पे, कल के अवतार पे। आप आखिरी पैगंबर में मानते हैं क्या? नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। मुझे कल की पुराण का अध्ययन नहीं है, कल की पुराण का अध्ययन नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे कल की पुराण का अध्ययन नहीं है। तो आप अगर बुद्धि के ऊपर आप मानते हैं तो मेरी ये आपसे इल्तिजा रहेंगी कि कल की पुराण पढ़ो और ये जांच पड़ताल करो कि कल के अवतार कौन है, और कल के अवतार की तहकीक करो, आप इंशाअल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानेंगे। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस पे तहकीक करो कि आखिरी अवतार कौन है, और इंशाअल्लाह आपको हिदायत देंगे अल्लाह ताला। डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे एक भाई को दूसरा सवाल पूछने के लिए दिया, एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? एक छोटा वेरी 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 कीजिए। मुसलमान लोगों को जब कोई हिंदू मिलता है तो बोलते हैं उसको आदाबर, लेकिन किसी मुसलमान को बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि एक मुसलमान हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव करता है, कृपया आप स्पष्ट कीजिए इसको। भाई साहब का सवाल है कि अगर कोई मुसलमान हिंदू से मिलता है तो आदाब अर्ज करता है, अगर कोई मुसलमान से मिलता है तो अस्सलाम वालेकुम कहता है, तो हिंदू मुसलमान में भेदभाव क्यों? भाई साहब हिंदू मुसलमान में भेदभाव तो रहेगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि हिंदू हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम है, लेकिन एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। पहले भाई साहब इसने सवाल किया था, उन्होंने मुझे आदाब कहा तो मैंने उनसे कहा सलाम अलैकुम, कहा कि नहीं? जी 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 कहा ना, हिंदू ने मुझसे क्या कहा, आदाब कहा कि नहीं? मैंने उनसे सलाम कहा कि नहीं? जी मैं गौर किया था। गौर किया माशाल्लाह, लेकिन तो गौर किया तो कहा क्यों नहीं? आपने ऐसा नहीं कहा, वो हिंदू भाई ने मुझे आदाब कहा। डॉक्टर साहब जी हाँ, यू आर नॉट ओनली वन मुसलमान, आई सी लाख्स ऑफ मुसलमान, बट एक अवतार आएगा और आखिरी युग है लिखा हुआ है कल की पुराना में, वो कल युग है, और कल युग क्या अवतार है? कल की अवतार। तो आप सबको जोड़ेंगे तो पता लगता है कि आपके वेद में भी कई निशानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, कम से कम 100 हवाले तो मैं देख सकता हूं जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5-8, उसमें कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और वो एक फॉरेनर रहेंगे और वो डेजर्ट से आएंगे, लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10-27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे कुंटप सुक्तास अथर्ववेद किताब नंबर 20 चैप्टर नंबर 127 श्लोक नंबर 1-14 उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह वेद के अंदर है, कई जगह पुराना में है। तो अगर आप भगवत गीता को लेते हैं, पुराना को लेते हैं, कल की पुराना को लेते हैं और एक मानते हैं, तो सारे ये श्लोका कह रहे हैं कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानना चाहिए। भाई साहब जी भगवत गीता मानते हैं आप? देखिए मैं मानता किसी को नहीं हूँ, मैं तर्क के बौद्धिक स्तर पर जो मेरा लॉजिक एक्सेप्ट करता है उसी को मैं मानता हूँ। लेकिन आपने भगवत गीता का हवाला दिए क्या? नहीं मानने का मतलब वो आंख बंद कर मानना, मैं आंख खोल कर मानता हूँ। तो आंख खोल के आप मानते क्या नहीं भगवत गीता को? बिल्कुल मानता हूँ, जो मानने तो भगवत गीता में लिखा है, जो आने वाले आखिरी अवतार जो पुराण कल की पुराना में लिखा हुआ है, कल के अवतार उसमें मानते आप? देखिए पुराण की बात नहीं कर सकूंगा क्योंकि कुरान की बात नहीं, पुराना कल की पुराना पुराण में मैं कर रहा हूँ, चूंकि पुराण 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 के बारे में पुराणकार का जो कहना है कि अष्टादश व्यासस्य वचनम द्वे पापाय पर पीड़नम पुण्याय पर हितनम, इसी तरह का है कि 18 पुराण का उद्देश्य है